जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 20th वीडियो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द ईजीएस्ट स्मार्टेस्ट एंड फ्री वे टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस का टैब यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ डमी डेटा मौजूद है एंड जो डेटा मेरे पास यहाँ पर 3 पेजेस पे आ रहा है, आपके पास यहाँ पर रेफरेंसेस के टैब में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन, जिसमें अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हो कि आप सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट का पेज होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के बाकी पेजेस को सर्च करके वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर मैं कुछ सैम्पल के तौर पर हेडिंग्स डाल देता हूँ, जैसे कि दिस इज हेडिंग 1 एंड इसको मैं सेलेक्ट करके होम पर जाकर इसे हेडिंग 1 बना रहा हूँ। याद रखिएगा, हेडिंग यहीं की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने अपनी तरफ से जो है वो कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट रखा हुआ है और आपने जस्ट उसको बोल्ड किया है और उसका साइज कैपिटल शो करवा दिया, ये शो करवाने के लिए हेडिंग है। ओके, तो हेडिंग यहीं से ही कैरी होनी चाहिए, जो हेडिंग वन है। मैं यहाँ से इसकी हेडिंग 1 जो है सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ हेडिंग 2, इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं हेडिंग 2 दे रहा हूँ इसको, एंड यहाँ पर दोबारा आकर मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ। एंड इस पेज पर आकर हेडिंग 2 और साथ में यहीं पर ही मैं हेडिंग 3 भी दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने 3 हेडिंग्स यहाँ पर चूज कर ली, चूज करने के बाद मैं चाहता हूँ अब मुझे इंडेक्स क्रिएट करना है। 2 से 3 बार एंटर कर देते हैं, ऊपर इंडेक्स क्रिएट होता है पेज के सबसे टॉप पे। रेफरेंसेस पे जाएंगे, रेफरेंसेस पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 3 ऑप्शंस अलग अलग मिल रहे हैं। ऑटोमेटिकली टेबल आपका जो है वो खुद चूज होकर आ जाएगा कि आपकी जितनी भी हेडिंग्स आपने डॉक्यूमेंट में बनाई हैं वो ऑटोमेटिकली चूज होकर आ जाएंगी, या फिर मैनुअली आपको वो ऑप्शन दे देगा। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से पेज नंबर लिखोगे और हेडिंग्स के यहाँ पर नाम लिखोगे। तो हम पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर ऑटोमेटिक देखते हैं। ऑटोमेटिक इस तरीके से आपके पास काम करता है। ये मेरे पास कंटेंट की हेडिंग आ गई, कंटेंट आपको बता रहा है कि पहली हेडिंग मेरे पास जैसे हेडिंग 1 थी। आपके पास यहाँ पर लिंक भी आ रहा है, कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर जंप करके आ गया है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1, 2 एंड 3 सब हेडिंग आ रही है यहाँ पर, पेज नंबर भी आ रहे हैं आपके पास। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ही मेरे पास हेडिंग 3 आ रही है। ऑलराइट, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस और मौजूद हैं, ऐड टेक्स्ट एंड अपडेट टेबल। अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे एक और हेडिंग ऐड करनी है जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट हेडिंग, एंड आपकी मर्जी है आप इसको फर्स्ट करना चाहो, सेकंड करना चाहो, थर्ड करना चाहो, फोर्थ करना चाहो। लास्ट हेडिंग मैंने आपके सामने सबसे आखिरी पेज पर दी है। अब मैं अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट को देखता हूँ तो यहाँ पर इसको राइट साइड पर रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन भी मौजूद है और इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस के टैब में जाकर यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप अपडेट हो जाइए, आपने पूरे टेबल को अपडेट करना है या सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना है, पूरे टेबल को अपडेट कीजिए। ओके, हो गया, लास्ट हेडिंग आ गई। ऐड टेक्स्ट भी आपके पास मौजूद है, अगर आपने किसी और टेक्स्ट को हेडिंग बनाना है तो भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं एंड यहाँ पर मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ, हेडिंग 3। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास हेडिंग 2 बन जाए। तो अब आप दोबारा अपने टेबल कंटेंट पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ पर देखिए अभी भी रिफ्रेश नहीं हुआ। अब मुझे इसको दोबारा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पर पूरे टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास हेडिंग 3 भी यहाँ पर आ गई है। तो ये सेक्शन था आपका टेबल ऑफ कंटेंट का।
उसके बाद आपके पास यहाँ पर फुट नोट्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंसर्ट नोट आ रहा है, एक इंसर्ट फुट नोट आ रहा है एंड एक इंसर्ट एंड नोट आ रहा है। एंड नोट आप जब भी किसी पैराग्राफ पे लगाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे एंड पर एक नोट चल रहा होता है, एंड फुट नोट आपके पास डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक फुट नोट लगा सकता हूँ। जब मैं फुट नोट लगाऊंगा तो जो मेरा करंट पेज है उसके बॉटम पर जो है उसकी बाकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। हम क्लिक करते हैं फुट नोट पे, क्लिक करने के बाद देखिए इसी पेज के बॉटम पर ये मुझे ऑप्शन शो करवा रहा है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज रिटन बाय जॉन डो, ऑलराइट। तो ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर बता रहा है दिस इज रिटन बाय जॉन डो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एंड नोट भी मौजूद है। अगर मैं एंड नोट लिखना चाह रहा हूँ, पेज नंबर टू पर आता हूँ, पेज नंबर टू पर आकर मैं यहाँ पर दो पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एंड नोट चाहिए, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ही मुझे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पर लेकर आ गया दिस इज रिटन बाय मार्क, ऑलराइट। तो यहाँ पर अब मेरे पास एक एंड नोट आ गया। आपके पास उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है शो नोट्स का, आपको जहाँ पर उसने नोट लगाया हुआ है उस जगह पर जंप करवा के दे देगा। ये देखिए जैसे रिटन बाय मार्क, देन यहाँ पर आपके पास एक बटन मौजूद है नेक्स्ट फुट नोट या फिर नेक्स्ट एंड नोट। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा लगाए हुए हैं तो आप उसकी तरफ नेक्स्ट भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे उस पेज पर उस जगह पर जंप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने पेज के टॉप पर आता हूँ एंड मैं कहता हूँ कि आप मुझे नेक्स्ट फुट नोट दिखाइए, तो ये मुझे फुट नोट पर जंप करके लेके आप, मैं कहता हूँ नेक्स्ट एंड नोट दिखाइए, तो ये एंड नोट यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है। ऑलराइट, अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन मौजूद है जिसका नाम है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो या आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई कोट इस्तेमाल करते हो, किसी की कोई कहावत या कोई शायरी वगैरह आप इस्तेमाल करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, या कोई पोइट्री या पोएम इस्तेमाल करते हो, कोई डायलॉग इस्तेमाल करते हो, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रेफरेंस से आ रहा होगा। उसके लिए आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो इंसर्ट साइटेशन का। मैं कहता हूँ ये मेरे पास पैराग्राफ मौजूद है, पेज नंबर 1 पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये पैराग्राफ मौजूद है, इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ इंसर्ट साइटेशन, मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू सोर्स करता हूँ और ये आपसे पूछ रहा है आपके पास एक विंडो ओपन हुई है कि ये टाइप ऑफ सोर्स क्या है। आपने किसी बुक से ये टाइप लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, किसी जर्नल से लिया है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ फॉर सपोज ये बुक से लिया है, बुक के ऑथर का नाम वो आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर का नाम आप लिख सकते हो मार्क बकी, एंड यहाँ पर आपके पास टाइटल मौजूद है, किताब का खुद का टाइटल क्या है, आप किताब का टाइटल लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी टाइटल मौजूद है, किस साल में वो आपकी किताब लिखी गई यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं, जो भी उसका ईयर मौजूद है, सिटी कौन से सिटी से वो बिलोंग करता है या किस सिटी में वो किताब पब्लिश हुई थी, न्यूयॉर्क, ओके करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ही मेरे पास आ गया इसकी साइटेशन के अंदर बाकी 2010। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको एडिट सोर्स भी कर सकता हूँ कि सोर्स पे जाइए मुझे एडिट करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम बताइए, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओके। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मैनेज सोर्सेस मौजूद है, हम यहाँ पर क्लिक करके सोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा करंट लिस्ट, अगर आपने और भी कुछ ऑथर्स वगैरह के नाम लिखे हैं तो आप यहाँ से उस लेफ्ट साइड से राइट साइड पे उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, उसी चीज़ को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट करना है तो आप दोबारा से कोई न्यू ऑथर का नाम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पर स्टाइल मौजूद है कि जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए आपको, तो वो आप देख सकते हो। ये देखिए फॉर्मेटिंग आप थोड़ी सी इसकी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो।
तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी आपको बता रखा होता है कि तमाम सोर्सेज को आप एक जगह पर उसका एक इंडेक्स लगा के शो करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करके आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा सबसे आखिर में उसकी सोर्सेज वगैरह नज़र आ रही होती हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बकी साहब का रेफरेंस दिया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई रेफरेंस नहीं दिया। अगर आपके पास और रेफरेंसेस मौजूद हैं वो यहाँ पर रेफरेंसेस की लाइन आ जाएगी कि कंप्लीट पॉइंट बाय पॉइंट आपके पास रेफरेंसेस शो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपके पास यहां पर मौजूद है कैप्शंस। कैप्शन हम यूज कर रहे होते हैं पिक्चर्स के ऊपर, तो यहां पर मैं दो पिक्चर्स इंसर्ट कर देता हूं एंड इंसर्ट करने के बाद मैं इनकी साइजिंग थोड़ी कम कर देता हूं ताकि ये ठीक से डिस्प्ले हो सके आपको। दो पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी, एक की पोजीशन मैंने यहाँ से चेंज कर दी है, एक की पोजीशन यहाँ आ रही है, एक की पोजीशन यहाँ आ रही है। इस पिक्चर में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं रेफरेंसेस के टैब पे जाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन आ रहा है। कैप्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 1। आप यहाँ से मतलब आप पिक्चर को जो डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हो कि ये पिक्चर कब ली गई, इस पिक्चर को किसने लिया, वो आप बेसिकली कैप्शन में लिख रहे होते हो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फिगर 1 नहीं लिखा है, फिगर की जगह पर जो है मेरे पास पिक्चर लिखा है, तो मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पर पिक्चर ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो इसलिए ए इसलिए नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर नंबरिंग में ABCD एडजस्ट हुआ हुआ है। मैं यहाँ पर 1 2 3 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास पिक्चर 1 लिखा नज़र आ रहा है। ओके करता हूँ तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर कैप्शन की फॉर्म आ गई, पिक्चर 1 इज टेकन इन 1947 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब मेरे पास पिक्चर 2 मौजूद है, रेफरेंसेस के टैब पे जाता हूँ, इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, यहाँ पिक्चर 2 मेरे पास खुद ब खुद आ रहा है। ओके करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज टेकन इन 1578। तो यहाँ पर ही मेरे पास इंसर्ट कैप्शन आ गया। अब इंसर्ट कैप्शन के अंदर यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, आपके पास यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स मौजूद है कि अगर आप एक इंडेक्स बनाना चाहते हो फिगर्स के लिए स्पेशली, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने शुरू कर देना है, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है पिक्चर 1 इज टेकन इन 1947 पेज 1 पर आ रही है, पिक्चर 2 मेरे पास जो है वो पेज 2 पर आ रही है। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का वर्ड मौजूद है, क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपके पास ये नहीं आए, मतलब एक ही लाइन में आए, तो आप क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिक्चर सेलेक्ट हुई हुई है, मैं कहता हूँ ठीक है आप इस पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए एंड पिक्चर 2 को यहाँ पर इसके साथ ही इंसर्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी क्रॉस रेफरेंस के तौर पर कर सकते हो, या आप उस वक्त इस्तेमाल करोगे क्रॉस रेफरेंस कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर की फॉर सपोज यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ पे आपने स्पेस दिया और उसके बाद आपने कहा कि आप यहाँ पर रेफरेंस देना चाह रहे हो पिक्चर का, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो उसका रेफरेंस भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जंप होकर इस जगह पर आ गया, इस फिगर पर आ गया। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन मौजूद है, हम यहाँ पर अपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे इंडेक्स लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कीवर्ड का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं मार्क एंट्री करना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं कीवर्ड पर ही एंट्री करना चाह रहा हूँ, इसको इंडेक्स लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद एक और कीवर्ड पे हम मार्किंग कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर आप होम पे जाएंगे, आप इसे हाइड कर देंगे ताकि आपके सामने से मार्किंग तमाम हट जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक और वर्ड मौजूद है जिसका ये जो लिखा हुआ है डिज़ाइन, डिज़ाइन के वर्ड को सेलेक्ट करके मैं रेफरेंसेस पे जाके दोबारा एक और मार्क एंट्री कर देता हूँ एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन। मार्क करते हैं, क्लोज कर देते हैं, होम पे जाकर अब मैं इसको यहाँ पर अनहाइड कर देता हूँ। अपने पेज पे एक खाली जगह पर आप आएंगे, खाली जगह पर आने के बाद आप यहाँ पर दोबारा रेफरेंस के टैब पे जाएंगे, रेफरेंस के टैब पे जाने के बाद अब आप उस पर्टिकुलर वर्ड्स को जो आपने मार्क किए थे उसका आपको इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे उन पर्टिकुलर वर्ड्स का भी आप इंडेक्स बना सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद ये देखिए मेरे पास डिज़ाइन 2 आ गया, मेरे पास कीवर्ड आ गया। अब
उसके अलावा आपके पास यहाँ पर अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन ही मौजूद है। भाई मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है इसे भी सेलेक्ट करके मैं मार्क एंट्री करना चाह रहा हूँ। मैं इसे यहाँ पर मार्क एंट्री करता हूँ, डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, मार्क कर दिया, क्लोज़ किया एंड होम पे जाकर इस साइन को मैंने अनहाइड किया। तो अब आप यहाँ पर देखें इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा रेफरेंसेस पे जाएंगे और अब अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो इंडेक्स का टेबल आ गया। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मार्क साइटेशन। अगर आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड टेक्स्ट किसी भी पर्टिकुलर नाम से साइटेशन को मार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पावरफुल पे क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं इसको एज अ साइटेशन मार्क करें, ये रेफरेंस के तौर पे आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पावरफुल के वर्ड को मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं दोबारा होम पे जाके इसे अनहाइड करूंगा। मेरे पास एक वर्ड मार्क हो गया, दोबारा एक और वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वर्ड का वर्ड ले लेता हूँ, रेफरेंसेस पे जाता हूँ मार्क साइटेशन पे एंड इसे भी मार्क कर देते हैं, क्लोज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम होम पे जाकर इसे अनहाइड करें। अनहाइड करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, रेफरेंस पे जा रहा हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी कि जिन जिन लोगों के मैंने यहाँ पर नाम यूज़ किए थे उन लोगों के जो जो मैंने केसेस इस्तेमाल किए थे उनका मेरे पास यहाँ पर नाम आ जाए, ऑल केसेस आ जाएँ, ऑल स्टेट्स अगर आपने शो करवाए हैं, मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास केसेस की फॉर्म पे आ रहे हैं कि पावरफुल वर्ड जो मैंने भी आपके सामने यूज़ किया था। अपडेट टेबल भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा कि आपने अगर किसी और पर्टिकुलर वर्ड को, प्रोफेशनली वर्ड को, मैं यहाँ पर मार्क साइटेशन करना चाह रहा हूँ, एक और मार्क लगाया। मार्क लगाने के बाद होम पे जाकर मैं इसको अनहाइड करता हूँ, क्लोज करता हूँ एंड फिर उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे जाकर आप इसको अपडेट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। ओके, तो अब तक की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर विद अ फ्रेंड हु मे नीड इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस वन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।